के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। कैसे? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और आखिर क्यों मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के आसपास मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपना सर्चिंग ऑपरेशन चला रखा है, पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के आसपास सर्चिंग तेज हो गई है और इसके पीछे वजह मुंबई क्राइम ब्रांच को मिला क्लू है। दरअसल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद मुंबई पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर पहली गोली चलाने वाले आरोपी शिवा गौतम की तलाश अब तेज हो गई है और मुंबई पुलिस को जो क्लू मिला है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में शिवा गौतम के छिपे होने की सूचना है और बताया ये जा रहा है कि किसी धार्मिक स्थल के आसपास शिवा गौतम हो सकता है और यही वजह रही कि मर्डर केस के बाद अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के उज्जैन, नागदा, हरदा, खंडवा, ओंकारेश्वर, हरसूद में सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर शिवा गौतम की तलाश शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन, होटलों से लेकर लॉज और अन्य स्थानों पर मुंबई पुलिस लोकल पुलिस के साथ सर्चिंग चला रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शिवा गौतम या किसी अन्य किसी व्यक्ति की वहां पर उपस्थिति रही है। पुलिस को इस बात का क्लू है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में शिवा गौतम छिपा हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की पुख्ता खबर है कि मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में शिवा गौतम छिपा हो सकता है और शिवा गौतम की तलाश में अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग दल बनाकर जांच करने में जुटी है और इसके लिए मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच और पुलिस की भी मदद की जा रही है।